Hey, so what's up guys, what's going on, welcome back to my YouTube channel। तो guys, जैसा कि आपको कल पता था कि पिछली वीडियो में हम आए थे कैंपिंग करने, और कैंपिंग हम कर रहे हैं श्रीनगर एरिया के लाचीगाम एरिया में। आज हम अपना कैंप का अपना टूर देंगे जहाँ पे हम कैंप्स कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए आप देख सकते हैं, मेरे साथ में बहुत बगल में रुके हुए लोग। भाई ये हमारा कैंप है नंबर 24। जो ये पहाड़ दिख रहे हैं, ये लाचीगाम नेशनल पार्क है। तो सुबह का मौसम दिखाता हूँ, पीछे देखो ये मेरे ग्रास लैंड दिख रहा है। ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, और पीछे से सनराइज हो रहा है उस साइड। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, बढ़िया सी धूप निकल आई और थोड़ा धूप भी खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी, पर चल गया, एडजस्ट हो गया हमारा। ये हमारे सर जाहिद भट्ट जो हमें ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की तरफ से ये नेशनल प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा सर, ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ये 2016 से प्रोग्राम हो रहा है। 2016 से हो रहा है। कितने कैंप है कम से कम टोटल यहाँ पे? कैंप तो एक ही है लेकिन टेंट जो है 35 है। अभी कितनी फैमिलीज आई हुई है कम से कम? अभी है 21। और आज हम जाएंगे पहलगाम घूमने। और आप बता रहे हो वहाँ पे शाहरुख खान भी आया हुआ है अभी? हाँ, अभी शूटिंग चल रही है वहाँ पे, डाइनिंग एरिया। गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करेंगे अपने यूटेंसिल्स निकालेंगे कैंप में से, और मैक्स बॉय को मैं दिखाता हूँ कि मैक्स बॉय क्या कर रहा है। ओ मैक्स बॉय, चलो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, देखो वो सो रहा है कैंप में अभी भी। ब्रेकफास्ट में देखते हैं आज क्या बना है। ये क्या चीज है? दलिया। अच्छा ओके, ये है पोहा। भाई अभी मस्त पोहा खाया जा रहा है। तो कुछ भी खाना खाने के बाद ये वॉशिंग पॉइंट दे रखा होता है, क्योंकि कैंप्स में पता है आपको ज्यादातर काम अपने आप खुद ही करने पड़ते हैं। खाओ फिर अपने बर्तन धो लो यहीं से ही। तो आराम से यहाँ पे सोप्स भी दे रखे होते हैं। आज का प्लान आपको पता है पहलगाम का है, लंच बॉक्स अपने साथ ही लाए हैं, अभी हमें इसमें लंच दिया जाएगा। अब मेन बात आती है वॉशरूम की, टॉयलेट और वॉशरूम हम कहाँ कर रहे होंगे? आपको भी हैरानी होगी, मतलब कैंप्स में तो करेंगे नहीं, अब वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है अपना टॉयलेट वाला एरिया, वे टू टॉयलेट, और देखो लाइन से सारे वॉशरूम्स और टॉयलेट बने हुए हैं। ये है हॉट वाटर के लिए टंकी, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। टॉयलेट मेल इंडियन, और ये फुल साफ होता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बीच में कैंप्स बने हुए हैं। लंच पैक हो रहा है, फ्राई चना और वो पराठे है। भाई अभी हम भी ग्रुप फोटो में आते हैं, ग्रुप फोटो हो रही है। तो भाई ये सारी कार जाएगी पहलगाम में, कैंपिंग में रुके हुए वो सब जाएंगे पहलगाम। वो एरिया है लाचीगाम नेशनल पार्क, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, तो हम यहीं पे ही कैंपिंग कर रहे हैं अपने। तो जैसा कि आपको पता है हम यूथ हॉस्टल के थ्रू आए हुए हैं यहाँ पे, मैं इस एनजीओ का एक मेंबर हूँ, तो मुझे मौका मिला है कैंपिंग करने का। इधर जा रहे हैं पहलगाम की साइड और अपनी सीट पे बैठ गए। अभी सारे कैंप वाले आ गए पैम्पोरी केसर में, क्योंकि पैम्पोर इलाका है पुलवामा के पास, और यहाँ का केसर फेमस है, तो सारे कैंप वालों को यहीं पे ले आए। केसर तो लेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है हमारा तो रोज़ का रहता है कश्मीर आना, और केसर घर में भरा हुआ है हमारे। ये होता है समावार, प्रॉपर एरिया है ये लेतपुरा। तो देखो भाई ये समावार में से कावा निकल रहा है, कैसा लगा केसर? कावा कावा अच्छा है, ये नमकीन है थोड़ा। अंदर सब केसर खरीदने में बिजी है, देखो भाई कितनी भीड़ लगी है। आओ वही खाओ, अखरोट खाओ फेमस। तो गाइस पहलगाम के पास लिडर रिवर के पास पहुंच गए अब हम। ये रिवर पहलगाम में फ्लो करती है, इसे कहते हैं लिडर रिवर। इस रिवर में राफ्टिंग भी कर सकते हो आप, पर अभी इसका पानी थोड़ा कम है। कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, ये है पूरी पहलगाम वैली देखो। पहलगाम एरिया होता है वो साउथ कश्मीर में आता है, तो बहुत सारी मूवीज की भी शूटिंग हुई है, जैसे बजरंगी भाईजान, बेताब वैली भी है जिसकी बेताब मूवी की शूटिंग पे नाम पड़ा है वहाँ पे। क्या वो शाहरुख खान आया है ना? बादल से आ गए यहाँ पे और बता रहे थे बारिश, मैंने चेक करा था टेम्परेचर तो बारिश बता रहे है भाई। तो भाई देखो ये ऐसे फूल खिले रहते हैं यहाँ पे, व्हाइट व्हाइट कितने अच्छे। सर ये क्या चीज है? हमारे पास 300 से शाल 3000 तक है, और खुद बनाता हम खुद बेचते हैं, हमको कोई मतलब नौकर खर्चा चाकर खर्चा कुछ भी नहीं है। अच्छा सलमान खान ने लिया? सलमान खान ने जो लिया था। अच्छा ये सलमान खान ने लिया था, जो सलमान खान ने यहाँ पे वो पिक्चर शूट यहाँ पे बना था, यहाँ पे वो यहाँ सलमान खान की जो वो दुकान उकान डाला था यहाँ पे बना। अच्छा यहाँ पे हुआ था, तो उसने डाला था उस पिक्चर में। अच्छा ये हाँ मैं देखा है, हमने बजरंगी भाईजान रख दिया नाम। इसका मार्केट का रेट 1200 रुपए, लेकिन हमारे पास ऑनली 500। अच्छा कैसे मार्केट में देख लेना, बजरंगी भाईजान आपको 1200 से कम मिलेगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद,
तो गाइस पीछे दिख रहे हो आप ग्लेशियर है, मेरे चंदनवारी का ग्लेशियर पे खड़े हुए ग्लेशियर पिघल रहा है और रिवर दिख रही है वो ओरिजिनेट हो रही है वहां से। अब आप ज्योग्राफी समझ लो, जब बर्फ पिघलती है तो एक रिवर का ओरिजिनेट होता है, बर्फ माने ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघल रहा है तो रिवर बन रही है। वैली का नाम है चंदनवारी, हालांकि बर्फ थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं अभी। वैसे अगर यहाँ पे लोग ना आए ना तो ये ग्लेशियर बहुत प्रिजर्व रहे। अगर मेरे पास स्कीइंग होती ना मैं तो तुरंत स्कीइंग करके आता नीचे। मैक्सवॉय स्कीइंग कर रहा है, देखो कैसे ऐसे कर रहा है। ये पूरा ग्लेशियर का नजारा, लोग ग्लेशियर तक आ गए भाई घूमने, बोला नहीं आ रहा। बूट्स होते ना स्कीइंग करके जाता। पीछे की वैली दिख रही है ना, उसके पीछे है अमरनाथ की केव। भाई असली पहलवानी तो उनको चढ़ी हुई है, देखो नंगे होकर खड़े हुए ग्लेशियर पे ही। ग्लेशियर पिघलने की असली वजह समझ में आ गई भाई, ये होता है बर्फीला बकरा। अभी हम आ गए बेताब वैली, जो कि बेताब मूवी के नाम पे रख दिया बेताब वैली। बढ़िया है, इसका फर बहुत सॉफ्ट है, इससे पश्मीना तो बनता है ना। हाँ जी, गरम गरम है बहुत। इसको लेके चलेंगे, इसका शक्ल और दिखा देता हूँ, देखो कितनी प्यारी सी है ये। अब इसकी कितना प्यार है, मासूम है बहुत, ये आराम से खड़ा हुआ चुपचाप बिल्कुल। कितने साल का होगा कम से कम, ये 1.5 महीने का है। इसका नाम क्या है, बोल बोल। मूवी थी सनी देओल की, सनी देओल की पहली मूवी थी बेताब वैली। सनी देओल की पहली मूवी थी बेताब, जिसकी शूटिंग हुई थी बेताब वैली में। गाना था अब हम जवां हो गए, ये देखो पूरा ग्रीन ग्रासलैंड आ गया और यहाँ पे देखो फूल हो गए हुए कितने सारे। तो ये पूरी बेताब वैली आप देख सकते हैं, प्लेन ग्रासलैंड है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। यहाँ का तो वैसे भी वेदर पता नहीं, कभी भी धूप, कभी भी बारिश, कभी भी स्नोफॉल। मुट्ठी वाला अखरोट खाओ, बारिश तेज हो गई यार, अब कैसे घुमाएंगे हम आपको। पहलगाम आए जब से बारिश जैसे मौसम हो रहा है आज। सामने एक झोपड़ी सी हट दिख रही है, ट्री हाउस लग रहा है मुझे। चलो भाई ऊपर चलो, इसके इसमें रुक जाए आज, कैंपिंग करेंगे। हिल क्यों रहा है, देखो ये व्हाइट व्हाइट फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बगल बगल में लिडर रिवर भी फ्लो हो रहा है। ठंड बहुत बढ़ गई और ये जो लिडर रिवर है ये झेलम में मर जाती है आगे जाके। ठंड तेज हो जाती है तो मेरे शब्द ऊपर नीचे होने लग जाते हैं खुद ही। हमें जाना पड़ेगा जल्दी से। ये पुल आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये प्रेम चोपड़ा ने उड़ाया था बेताब मूवी में ही। प्रेम चोपड़ा ही पुल उड़ा देता है बेताब मूवी में। मुझे ये मूवी देखनी पड़ेगी, मैंने मूवी देखी नहीं, पहले आ गया शूटिंग लोकेशन पे ही। किसी सब्सक्राइबर ने ये मूवी देखी हो तो बताना भाई कमेंट में कि कौन कौन सी जगह आपको पसंद आई। पहाड़ों में मैगी नहीं खाई तो क्या नहीं खाया, मैगी नहीं खाई तो आना बेकार। बताया जा रहा है सनी देओल इस हट में रहता था और दुश्मन उसको ऊपर से देखते सड़क पे से। सनी देओल यहीं का आदमी दिखाया, मतलब रहता था। मूवी देखनी पड़ेगी मुझे, तू देखेगा सनी देओल की मूवी, एम में जाके देखूंगा सनी देओल की मूवी। धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल को लॉन्च किया था इस मूवी में बेताब वैली। सनी देओल अमृता सिंह को इसी गाड़ी में लेके जाता है, जब से ये ऐसी गाड़ियां चलने लग गई यहाँ पे। तो ये है सामने अरू वैली और यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है और ठंड, इसे कहते हैं अरू वैली। अभी हम ऐश मुकाम पे आए हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी। भरदो जोली मेरी वाला सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ था। ये एरिया है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता है ना भागकर, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं यहाँ पे आकर। 250 सीढ़ियाँ आए यहाँ पे, कितनी सारी शॉप्स है, मेरे मतलब की दुकान है यहाँ पे खिलौनों की। तो फाइनली ये आ गई दरगाह। तो ये वही कव्वाली वाला एरिया आ गया देखो, जहाँ पे सलमान खान बैठता है अदनान सामी के साथ। और ये है पूरी दरगाह, देखो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। तो भाई ये देखो कितनी ऊंचाई पे बनी हुई है, पहलगाम लेके श्रीनगर तक दिख रहा है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? इसका नाम है सखी जैनुद्दीन वली, ये किश्तवाड़ से आया है इधर खुदा की रियाजत करने के लिए। बारगाह इलाही में अपना मुकाम है इसका बहुत बड़ा। इसका नाम है सखी, सखी मतलब सखावत करने वाला, बिन मांगे जो जो यहाँ पर आता है बिन मांगे उसको मिलता है। तो यहाँ इसने इबादत की, बहुत सी गुफाओं में इसने इबादत की है खुदा की। तो यहाँ भी एक गुफा है अंदर, वहाँ बहुत बड़ा देव था। अच्छा। उसको उसने भगाया, सांप थे बिच्छू थे उनको भगाया, फिर उस गुफा में खुदा की रियाजत की। इसका मकबरा शरीफ यहाँ ऊपर है। अभी हमने दिखाया था आपको गुफा में, वो एक बुजुर्ग थे वो वहीं पे इबादत करते थे, उनकी मजार भी वहीं पे गुफा में ही है। ये था मेन शूटिंग वाला एरिया, मुन्नी की मम्मी होती है यहाँ पे आके धागा बांधती थी और यहाँ पे कव्वाली हुआ करती थी, वो दरगाह देखो पीछे। फिर एंड में सलमान खान वहीं से निकल जाता है पीछे से साइड। तो भाई ये देखो दरगाह पे ये हलवा पराठा और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ड्राई फ्रूट्स वाला और वहाँ पे पकौड़े भी है। और ये क्या चीज होती है, मटर। पूरी दरगाह की मार्केट है और दरगाह वो उस पहाड़ के ऊपर है। तो गाइस फाइनली कैंप के अंदर आ गए और कैंप के अंदर का माहौल क्यों ऐसा हो रहा है, बारिश बहुत तेज हो रही है श्रीनगर, पूरे कश्मीर में बहुत तेज बारिश आई हुई है इस टाइम। कैंप के बाहर देखो बारिश कितनी तेज हो रही है, ये देखो कैंप के अंदर। बढ़िया सब। हम अपने डाइनिंग एरिया में आए हैं और क्या हाल हो रहा है,
बारिश की वजह से सब कैंप में घुसे हुए है। आ रहा हूँ अभी साग और रोटी, और मैं आपको दिखा देता हूँ आज साग है, चावल है, खीर है, खीर। होप गाइस आज आपको लोग पसंद आया होगा। और मैं जा रहा हूँ सोने सीधा क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, मैं दिखा नहीं पाया। रात को आप कल मिलते हैं गुलमर्ग में। बाय बाय।